जरा सोचो, एक दिन तुम उठो और तुम्हारे फ्रिज, टीवी, सोफे जैसी बेजान चीजें तुमसे बातें करने लगें। मेरा नाम है विशाल, अनोखी फिल्म्स में आपका स्वागत है और चलिए सुनते हैं हमारी आज की कहानी। कहानी की शुरुआत होती है जैन नाम के एक मशहूर चोर से, जो आए दिन म्यूजियम्स में डाका डालता था। एक दिन वो जबरदस्त सिक्योरिटी होने के बावजूद एक म्यूजियम से एक बेशकीमती मूर्ति चुराने में कामयाब हो गया, लेकिन इस मूर्ति के साथ बहुत से लोगों की आस्था जुड़ी हुई थी। लोगों का मानना था कि आज तक जिसने भी इस मूर्ति को चुराया वो किसी ना किसी तरह पागल हो गया। इस मूर्ति को चुराने के बाद जैन सीधा अपने पार्टनर ब्रदर हे के पास गया। उसने म्यूजियम से चुराई हुई सारी चीजें हे को बेच दी, लेकिन वो मूर्ति अपने पास ही रख ली। इस बात से ब्रदर हे का खरीदार एडम काफी गुस्सा हो गया, क्योंकि उसने तो मूर्ति चुराने का ऑर्डर दिया था। बाद में रात के समय जैन अपनी गाड़ी चालू करने की कोशिश कर रहा था कि उसने देखा कि एक गाड़ी ढलान से नीचे जा रही थी। उसने गाड़ी को रोकने की कोशिश की, लेकिन तभी उस पर बिजली गिर गई और वो वहीं बेहोश हो गया। फिर उसे सपना आया कि जब वो स्कूल में था तो उसके प्रिंसिपल ने उसे चोरी करने की कड़ी सजा दी थी, लेकिन असल में ये सब उसके दोस्तों का किया धरा था। इस चक्कर में जैन को पूरे स्कूल के सामने बेइज्जत होना पड़ा। उस दिन उसने गुस्से में आकर भगवान से कह दिया कि अगर उसने सच में पैसे चुराए हैं तो उस पर बिजली गिर जाए। इसके बाद उसकी आंख खुली तो वो अपने बिस्तर में था। अचानक उसने देखा कि उसकी बाजू की नसें एकदम लाल हो गई थी। हालांकि जैन ने इसे नजरअंदाज करते हुए अपना फ्रिज खोला। पहली नजर में उसे फ्रिज में किसी का चेहरा दिखाई दिया, लेकिन जब उसने दोबारा देखा तो ऐसा कुछ नहीं था। इसके बाद जब वो हल्का होने गया तो उसका टॉयलेट इंसान में बदल गया और उससे बातें करने लगा। जैन बेचारा समझ ही नहीं पा रहा था कि आखिर ये सपना है या हकीकत। जैसे ही वो वॉशरूम से बाहर निकला तो उसका सोफा भी बोलने लगा, फिर उसका बिल्ला भी उसे कहने लगा, तन्हाई में जिंदगी नहीं कटती भाई, बस एक बिल्ली ला दे प्लीज। इसी तरह उसका टीवी, पौधे और ठरकी बिल्ला सब उससे इंसान बनकर बातें करने लगे। जैन काफी डर गया और तुरंत उस मूर्ति को उठाकर घर से बाहर निकला। तभी उसने एक आदमी को उसकी गाड़ी पर पेशाब करते हुए देखा तो वो उसे डांटने लगा, लेकिन ये तो असल में एक कुत्ता था। अब जैन को लग रहा था कि उसके सर पर बिजली गिरने की वजह से उसके दिमाग का सर्किट तो हिल चुका है। वो तुरंत अपनी गाड़ी में बैठकर निकल गया। कुछ ही पलों में उसकी गाड़ी भी एक बूढ़े आदमी में बदल गई और उसने गाड़ी को धीरे चलाने को कहा। बेचारा जैन बौखलाकर गाड़ी से बाहर ही कूद गया और एक मूर्ति के साथ बीच पर आकर बैठ गया। जब उसने बैग खोला तो वो मूर्ति भी उससे बात करने लगी। उस आदमी ने कहा कि जैन ने मूर्ति चुराकर अच्छा नहीं किया। इसके बाद वो सीधा डॉक्टर के पास पहुंचा। ये डॉक्टर असल में वही प्रिंसिपल था जिसने जैन को चोरी की सजा दी थी। उसे यकीन ही नहीं हुआ कि सारी मुर्दा चीजें जैन से बातें कर रही हैं। तभी डॉक्टर का कंप्यूटर भी एक इंसान में बदल गया और जैन से बातें करने लगा, क्योंकि डॉक्टर मान नहीं रहा था कि जैन बेजान चीजों से बातें कर सकता है। तो सबूत के तौर पर जैन ने डॉक्टर से कहा, हाँ ठीक है मत मान, लेकिन तेरे कंप्यूटर ने बता दिया जो तू अश्लील फिल्में देखता उनके बारे में। ये सुनते ही डॉक्टर की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। आखिरकार उसने जैन को दिमाग के डॉक्टर के पास जाने को कहा। वहां से निकलते ही जैन की टक्कर उसकी बचपन की दोस्त केओमी से हो गई। जैन उसे काफी पसंद करता था लेकिन कभी कह नहीं पाया। फिर उसने केओमी से पूछा कि क्या ऐसी कोई बीमारी है जिसमें इंसान चीजों से बातें करने लगे, लेकिन केओमी ने हंसकर उसे अपना कार्ड दे दिया। उससे मिलकर जैन का दिल काफी खुश हो गया। उसने अपनी गाड़ी को उससे भी बात करने को कहा, लेकिन गाड़ी ने साफ मना कर दिया। कुछ मिनटों बाद गाड़ी अचानक बंद हो गई। जब जैन ने बाहर निकलकर देखा तो इंजन में जोरदार धमाका हुआ और वो उड़कर दूर गिर गया। हालांकि किसी तरह मूर्ति को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। फिर मूर्ति ने इंसान का रूप लेकर कहा कि जैन को एक अच्छा इंसान बनकर चोरी की सारी चीजें लौटा देनी चाहिए, सिर्फ इसी तरह उसकी चीजों से बात करने की बीमारी ठीक हो सकती है। फिर कुछ देर बाद मैकेनिक गाड़ी देखने आया तो उसने कहा कि गाड़ी को ठीक करना तो नामुमकिन है, इसलिए बढ़िया तो यही रहेगा कि इसे कबाड़ में दे दे। गाड़ी के जाने के बाद जैन को सड़क पर एक लाल मुखौटा मिला। मुखौटे ने उसे बताया कि चार चोर एक गहनों की दुकान में डाका डालने जा रहे हैं। वो चोर रास्ते में ही थे और एक चोर का मुखौटा खो गया था, इसलिए उन्होंने एक औरत को अगवा करके उसकी स्कर्ट से मुखौटा बना लिया। लेकिन जैसे ही वो दुकान में पहुंचे तो पुलिस ने उन्हें वहीं धर दबोचा। असल में जैन ने कुछ घंटे पहले ही पुलिस को इसकी खबर दे दी थी। पहले तो पुलिस वाले ने वही कहा जो शायद कोई भी नॉर्मल आदमी कहेगा, पीके है क्या? लेकिन जब जैन ने उसके टेबल से बातें करके उसके राज बता दिए तो पुलिस वाले को यकीन हो गया। खैर, चोरों को पकड़ने के बाद पुलिस वाले ने जैन को अपने किसी घर वाले को फोन करने को कहा, क्योंकि उसे लग रहा था कि इसका दिमाग सच में सटक चुका है। जैन ने केओमी को वहां बुलाया और उसने पुलिस वालों को बता दिया कि जैन अभी थोड़ा बीमार है। इसके बाद वो दोनों बीच पर गए और जैन ने उसे सब कुछ बता दिया, लेकिन लाजमी सी बात है कि केओमी को भी उस पर यकीन नहीं हुआ। हालांकि वो फिर भी ठीक होने में उसकी मदद करने के लिए तैयार हो गई। जैन भी जानबूझकर पागलों जैसी हरकतें करने लगा ताकि उसे केओमी के करीब आने का मौका मिले।
फिर केओमी के जाने के बाद जैसे ही ज़ेन बेंच से उठा उस पर जोरदार बिजली गिर गई। वो बेंच उसी वक्त इंसान में बदलकर ज़ेन के पीछे पड़ गया क्योंकि उसी की वजह से उस पर बिजली गिरी थी। खैर रात को ज़ेन ने म्यूजियम में जाकर मूर्ति वापस रख दी ताकि सब कुछ पहले जैसा हो जाए, लेकिन मूर्ति ने कहा कि ये सब तो वो अपने फायदे के लिए कर रहा है तो इससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। हालांकि ज़ेन फिर भी मूर्ति को वहीं छोड़कर घर लौट आया। अगले दिन ब्रदर ही को खबर मिली कि चोर ने मूर्ति लौटा दी है। अब एडम उस पर मूर्ति लाने का दबाव बनाने लगा क्योंकि हे आधे पैसे ले भी चुका था। उधर केओमी ने सभी डॉक्टर्स के साथ ज़ेन के इलाज के बारे में बातचीत की। उनका प्रिंसिपल भी वहां मौजूद था। डॉक्टर्स का कहना था कि ज़ेन तो बीमारी का नाटक करके केओमी के करीब आना चाहता है, लेकिन प्रिंसिपल को केओमी की बात पर यकीन था। इसको तो यकीन करना ही पड़ेगा, इसकी पोल जो खोल दी कंप्यूटर ने। फिर रात को ज़ेन एक मंदिर में एक पुरानी किताब लौटाने गया। उसे कुछ लोग तलवारबाजी करते दिखाई दिए, लेकिन वो तो बस मूर्तियां थी। तभी एक भिक्षु ने आकर उससे किताब ले ली और अच्छाई की राह पर चलने के लिए ज़ेन की तारीफ की। अगले दिन केओमी उसे एक मैदान में ले आई जहां बारिश होने वाली थी। उसने ज़ेन को एक एंटीना पहनाया ताकि उस पर फिर से बिजली गिरे और उसका दिमाग ठीक हो जाए। अबे ये कहां की डॉक्टर है, चाइना जो जा रहे हैं ना, वापस आ जाओ भाई। खैर उसकी ये तरकीब काम नहीं आई क्योंकि हमारे ज़ेन भैया में इतना दिमाग तो था कि सर पे बिजलियां नहीं गिरवानी है जानबूझकर। वहां से वापस आते हुए उसने केओमी का शुक्रिया अदा किया क्योंकि बचपन में सिर्फ उसने ही ज़ेन पर यकीन किया था। वो अपनी माँ की आखिरी निशानी के तौर पर एक पीला छाता हमेशा अपने पास रखती थी। जब ज़ेन ने उस छाते के बारे में पूछा तो केओमी ने बताया कि कुछ साल पहले किसी कुत्ते ने वो छाता चुरा लिया था। उसे क्या पता था कि ये चोर कोई और नहीं बल्कि ज़ेन ही था। उसने घर लौटकर छाते से माफी मांगने की कोशिश की, लेकिन छाते ने कुछ नहीं कहा। इसके बाद हम देखते हैं कि उसने वो मशहूर पेंटिंग मोना लिसा तक चुरा रखी थी। वो उसकी जांच करवाने म्यूजियम पहुंचा जहां आर्टिस्ट एडम मौजूद था। ये वही एडम था जिसने ब्रदर ही को मूर्ति चुराने के पैसे दिए थे। दरअसल वो अपनी आर्ट गैलरी की आड़ में गैर कानूनी बिजनेस चला रहा था। ज़ेन ने देखा कि केओमी भी वहां मौजूद थी। जब ज़ेन को पता चला कि वो एडम से प्यार करती है तो वो तुरंत वहां से निकल आया। अगले दिन हॉस्पिटल में केओमी झूठ पकड़ने वाली मशीन लेकर आई ताकि पता चल सके कि ज़ेन को सच में कोई बीमारी है भी या नहीं। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ पूछ पाती उसे बहुत जरूरी काम आ गया। कुछ देर बाद ज़ेन एडम से फिर से मिलने गया जहां वो एक लड़की की बिना कपड़ों की पेंटिंग बना रहा था। वो समझ गया कि एडम केओमी को धोखा दे रहा है। उस रात ज़ेन सो नहीं पाया। वो सोचता रहा कि उसे केओमी को सच बताना चाहिए या नहीं, लेकिन उसके पौधे ने कहा कि उसे केओमी का रिश्ता खराब नहीं करना चाहिए। अगले दिन केओमी ज़ेन को हॉट एयर बलून में घुमाने ले गई। उसे याद था कि आज ज़ेन का जन्मदिन है, इसलिए वो उसके लिए केक भी ले गई थी। ये सब देखकर ज़ेन को काफी खुशी हुई, लेकिन उसकी खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकी। जल्द ही उसने केओमी को एडम से बात करते सुन लिया और उसके बाद तो भैया की जल गई। अगले दिन ज़ेन ने एडम को असली मोनालिसा पेंटिंग दिखाई, लेकिन एडम को उसकी बात पर यकीन ही नहीं हुआ। फिर ज़ेन ने नजर चुरा कर उसके फोन से उसकी सारी गर्लफ्रेंड्स को मैसेज कर दिया। अगले दिन केओमी के साथ साथ सारी लड़कियों ने मिलकर उन्हें धोखा देने के लिए एडम की खूब धुनाई की। फिर रात को केओमी एडम की यादें भुलाने के लिए ज़ेन के साथ क्लब में गई। जब वो पीकर एकदम टल्ली हो गई तो ज़ेन उसे अपने घर ले आया। उसने तुरंत वो पीला छाता छिपा दिया और दोनों ने रात भर बैठकर टीवी देखा। उधर एडम ने डॉक्टर हे को सीसीटीवी फुटेज दिखाकर बताया कि ज़ेन ने उसके बेजान फोन से बात करके उसका पासवर्ड मांग लिया और फिर उसकी सारी गर्लफ्रेंड्स को मैसेज भी भेजा। एडम कई दिनों से ज़ेन पर नजर रखे हुए था और उसने उसकी सारी शक्तियों के बारे में हे को भी बता दिया, लेकिन बाकी सब की तरह ब्रदर हे को भी उस पर यकीन नहीं हुआ। इधर ज़ेन की चीजें उस पर केओमी का छाता लौटाने का दबाव बनाने लगी, लेकिन ज़ेन चिढ़कर कबाड़ खाने में अपनी पुरानी गाड़ी को आखिरी बार देखने चला गया। फिर गाड़ी के इंसानी रूप ने उसे बताया कि जब ज़ेन चोरी करने जाता था तो वो जानबूझकर खराब हो जाती ताकि वो ज़ेन को बुरे काम करने से रोक सके। आखिरकार ज़ेन ने उससे अपनी सारी गलतियों के लिए माफी मांगी। एक दूसरे को अलविदा कहने के बाद वो बूढ़ा आदमी हवा में गायब हो गया और गाड़ी कुचल दी गई। इस घटना के बाद ज़ेन केओमी से मिला और उसे अपनी शक्तियों के बारे में सब सच बताने लगा। फिर उसने उसका पीला छाता लौटाकर उससे माफी भी मांगी। केओमी ने कहा कि अगर उसमें सच में शक्तियां हैं तो छाते से पूछकर बताए कि उसकी माँ के आखिरी शब्द क्या थे, लेकिन छाते ने कोई बात नहीं की, इसलिए केओमी ज़ेन से गुस्सा होकर वहां से चली गई। खैर घर लौटकर ज़ेन ने देखा कि उसकी बाजू की आखिरी नस का रंग भी अब ठीक हो गया था। इसका मतलब शायद ये था कि अब उसने अपने सारे बुरे कामों को ठीक कर लिया और अब वो एक आम आदमी की तरह चीजों से बातें नहीं कर पाएगा। तभी ब्रदर हे ने उसे फोन करके धमकी दी कि अगर वो उससे मिलने नहीं आया तो केओमी अपनी जान से हाथ धो बैठेगी। ज़ेन भागकर वहां पहुंचा तो पता चला कि हे चाहता है कि ज़ेन एक लॉकर से बात करके उसका पासवर्ड पता करे क्योंकि उसके अंदर बेशकीमती हथियार थे।
बात सीधी है कि अगर जेन नाकामयाब रहा तो वो कियोमी को मार डालेंगे। उसने कियोमी को बांध कर छत से लटका रखा था। आखिरकार जेन ने लॉकर से बात करने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। उसने कहा भी कि अब उसकी शक्तियां जा चुकी हैं, लेकिन हे ने उसके सर पर बंदूक रख दी। लेकिन इससे पहले कि वो गोली चलाता, पुलिस ने ऐन वक्त पर आकर उन दोनों को बचा लिया। जब वो घर लौटा तो सारी चीजें देख कर उसे उनकी बकबक याद आने लगी। आखिरकार हम देखते हैं कि कियोमी ने भी उसे माफ कर दिया और एंड में दोनों उसके पीले छाते के नीचे बारिश में रोम रोम रोमांटिक कर रहे थे। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में।